प्रधानमंत्री मोदी से मिले सीएम योगी, दोनों के बीच एक घंटे से ज्यादा चली मुलाकात। कई मुद्दों पर चर्चा की आ रही खबर। जेपी नड्डा और सीएम योगी की मुलाकात हुई खत्म। कुछ देर में राष्ट्रपति से भी मिलेंगे सीएम योगी। राष्ट्रपति भवन में होगी मुलाकात। पीएम मोदी से मिलने के बाद सीएम योगी ने किया ट्वीट। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट एवं मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अखिलेश का बीजेपी सरकार पर हमला। कहा, बेकारी बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है। न मनरेगा में काम, न स्किल मैपिंग का पता। बीजेपी सरकार से जनता को नहीं है उम्मीद। गृह मंत्री अमित शाह और अनुप्रिया की मुलाकात पर सूत्रों से खबर। पति आशीष के लिए अनुप्रिया ने यूपी मंत्रिमंडल में पद मांगा। बीजेपी की सहयोगी अपना दल की प्रमुख है अनुप्रिया पटेल। एम्बुलेंस के फर्जी रजिस्ट्रेशन मामले में मुख्तार की मुश्किलें बढ़ी। एम्बुलेंस के फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले में आरोपियों की तलाश जारी। आरोपियों की अवैध संपत्ति का भी पता लगाया जा रहा है। आरोपी आनंद यादव शहीद की जमानत हो चुकी है खारिज। ट्विटर पर सीएम योगी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के फॉलोवर हुए बराबर। दोनों के 14.1 मिलियन हुए फॉलोवर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को पुलिस ने हिरासत में लिया। बहुखंडी स्थित सरकारी आवास से विरोध प्रदर्शन के लिए निकले थे बाहर। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर कर रहे थे धरना प्रदर्शन। केजीएमयू में कोविड टेस्टिंग किट खरीद में गड़बड़ी। केजीएमयू ने टेंडर निरस्त कर शासन को भेजी रिपोर्ट। 50 रुपए में खरीदी जा रही थी 23 रुपए वाली आरटीपीसीआर किट। कोरोना काल में रेलवे ने दी यात्रियों को बड़ी राहत। आज से कई स्पेशल ट्रेनों के संचालन को हरी झंडी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ हल्ला बोल। आज कांग्रेस का देशव्यापी सांकेतिक प्रदर्शन। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। उत्तराखंड में सभी 70 विधानसभाओं में जुटेंगे कांग्रेस। वाराणसी में आज से शुरू होगा नाव और क्रूज का संचालन। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक नौका संचालन की प्रशासन ने दी अनुमति। सिर्फ वैक्सीन लगवा चुके नाविक ही कर सकते हैं नौका संचालन। अब हिंदी में होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी ने दी हरी झंडी। यूनिवर्सिटी को विद्या परिषद की बैठक में लगी मुहर। बीटेक की पढ़ाई अब हिंदी में भी कर सकेंगे छात्र। अब कोर्स के लिए सभी कॉलेजों में यूनिवर्सिटी आवेदन लेगी। सीएम योगी के दिल्ली दौरे पर रवाना होने के बाद अचानक यूपी विधानसभा के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। लोक भवन के पास पुलिस अधिकारियों का जमावड़ा देखा गया। जिले के कई बड़े अधिकारी विधानसभा की सुरक्षा में रहे तैनात। यूपी में 10 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। 2010 बैच के आईपीएस वैभव कृष्ण को फिर मिली पोस्टिंग। वैभव कृष्ण को पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षण एवं सुरक्षा लखनऊ बनाया गया। जौनपुर में आर्मी के जवान ने जमीन विवाद में राइफल लहराई। पड़ोसियों को दी जान से मारने की धमकी। जमीन विवाद को लेकर हुई थी कहासुनी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। झांसी एसएसपी शिवहरि मीणा ने एसी कल्चर छोड़कर अपने ही ऑफिस के बाहर तंबू लगाकर बैठ गए। कहा, कोई भी बेरोक टोक मिल सकता है। फरियादों की सुविधा के लिए ये फैसला लिया। मथुरा में दारोगा की दबंगई। थाने बुलाकर रिटायर्ड फौजी की दारोगा ने बेरहमी से की पिटाई। थर्ड डिग्री देने का आरोप। थाना हाईवे में तैनात है दारोगा चंद्रशेखर। रिटायर्ड फौजियों का दल एसएसपी ऑफिस पहुंचा। दारोगा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। लखनऊ में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला। लोहिया संस्थान ने आरोपी रेसिडेंट को नौकरी से हटाया। इंजेक्शन की कालाबाजारी में गिरफ्तार हुआ था डॉक्टर वामिक। देश में लगातार चौथे दिन 1 लाख से कम कोरोना मरीज सामने आए। पिछले 24 घंटे में 91,702 नए कोरोना मरीज मिले। एक दिन में 1,34,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 32,74,672 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 24,60,85,649 हो गया।
भारत में कल कोरोना वायरस के 20,44,131 सैंपल टेस्ट किए गए। कल तक कुल 37,42,42,384 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। यूपी में 24 घंटे में सामने आए सिर्फ 619 नए केस। एक दिन में 1,642 लोगों ने कोरोना को दी मात। अब सिर्फ 11,000 एक्टिव केस बचे। प्रदेश का रिकवरी रेट 91.1% पहुंचा। 24 घंटे में प्रदेश में 2,77,000 टेस्ट किए गए। पौड़ी में कोरोना गाइडलाइंस चेकिंग के दौरान पुलिस का ड्रामा। मास्क न लगाने पर पुलिस ने महिला को रोका। पुलिस ने रोका तो महिला ने किया ड्रामा। वाराणसी में कड़ाहा पूजा के दौरान सैकड़ों की उमड़ी भीड़। प्रशासन की नाक के नीचे होती रही पूजा। सारनाथ थाना क्षेत्र के छाही गांव का मामला। ग्रामीण जनता ने बताया प्रधानी की जीत की मन्नत पूरी करने के लिए हुई थी पूजा। गोंडा नगर पालिका में 27 वार्डो में वैक्सीनेशन का कैंप लगाया जाएगा, जिसके तहत लोगों को वैक्सीनेशन की सुविधा मिल सके। मौसम खराब होने के बाद भी लोग वैक्सीनेशन कराने पहुंचे। इटावा में टीकाकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए वैक्सीनेशन से एक दिन पहले ग्रामीण इलाकों में एसडीएम के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में ढोल पिटवा कर कार्रवाई मना दी। ग्रामीणों के साथ पंचायत का टीकाकरण को लेकर फैली अफवाहों को दूर करने का किया प्रयास। गांव-गांव में हो रही बैठक। मुंबई में तीसरे दिन भी बारिश जारी। निचले इलाकों में पानी भरा। 7 दिन पहले मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून। ग्रेटर नोएडा सहित दिल्ली एनसीआर में बदले मौसम के मिजाज। तेज आंधी के साथ हुई बारिश। बारिश ने मौसम किया सुहाना। तापमान में आई गिरावट। कौशाम्बी में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद हुई झमाझम बारिश। ज्यादातर हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। बारिश का लुत्फ उठाते नजर आए लोग। नोएडा सेक्टर 2 में एक कॉल सेंटर में आग लगने से अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आग लगने से काफी नुकसान। आग के कारण का पता नहीं चल पाया। संत कबीर नगर में बीएसपी को बड़ा झटका। एक साथ 70 लोगों ने छोड़ी पार्टी। पूर्व राष्ट्रीय महासचिव रामचल राजभर के निष्कासन से नाराज थे कार्यकर्ता और पदाधिकारी। अयोध्या में तपती धूप से बचाने के लिए भगवान रामलला के अस्थाई मंदिर को फूलों से सजाया गया। इसके लिए उनके मंदिर को कमल, गुलाब, बेला, चमेली, चंपा के फूलों से सजाया गया। जालौन में यमुना नदी में नहाने गए 5 युवक डूबे। 3 युवकों को निकाला गया सकुशल बाहर। 2 युवक लापता। मौके पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम। कालपी कोतवाली के यमुना किला घाट का मामला। सुल्तानपुर में दर्दनाक हादसा। हादसे में साइकिल सवार 2 लोगों को अज्ञात डंपर ने मारी टक्कर। 1 युवक की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। श्रावस्ती में एक महिला के शव मिलने से सनसनी। पति और पत्नी में होता था विवाद। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या की जताई जा रही है आशंका। बरेली में पुलिस का खौफ देखने को मिला। घर में घुसे चोरों को जब पुलिस ने घेरा तो गिरफ्तारी से बचने के लिए चोर ने खुद को गोली मार दी। वहीं पुलिस ने एक चोर को किया गिरफ्तार, 1 चोर फरार। बस्ती मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल कैली में जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने का मामला। अचानक 40 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर गायब होने की सूचना। बागपत के जीवाना गांव में दबंगों ने दलित किसान को मारी गोली। घटना के बाद आरोपी फरार। पुलिस ने किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खेत में मेड़ के घास फूस को लेकर हुआ था विवाद। मुख्य आरोपी गिरफ्तार। तमंचा बरामद। मेरठ में जनसेवा केंद्र की आड़ में फर्जीवाड़े का खुलासा। पुलिस ने जनसेवा केंद्र के संचालक को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से भारी तादाद में नकली मोहरें और कई फर्जी दस्तावेज बरामद। फरुखाबाद में लापता 10 साल के छात्र की रस्सी से गला दबाकर हत्या। शव लहूलुहान हालत में बाग में मिला। पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल पर जाकर लोगों से पूछताछ की।
पीलीभीत में पेड़ काटने के विवाद को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही थी गांव में पंचायत। दोनों पक्षों में चले लाठी तलवार, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। मारपीट का लाइव वीडियो वायरल, पूरनपुर कोतवाली के लोधेपुर गांव का मामला। अमरोहा में युवक का तमंचे से फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल। बाइक पर तमंचा रख दिन दहाड़े घूम रहा आरोपी। एक हफ्ते में तीसरा वीडियो हुआ वायरल। थाना धनोरा क्षेत्र के अमरोहा रोड का बताया जा रहा है वीडियो। रायबरेली में युवक ने की असलहे से ताबड़तोड़ फायरिंग। फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मेरुई गाँव का बताया जा रहा है वीडियो। शाहजहांपुर में पति के नाजायज संबंधों का विरोध करना पत्नी को पड़ा भारी। विरोध करने पर मारपीट के बाद गला दबाकर पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा। पत्नी का शव मकान के कमरे में फर्श पर पड़ा मिला। बांदा में संपत्ति विवाद में समधी ने की समधी की हत्या। बहू जमीन अपने नाम कराने के लिए अपने पिता के साथ मिलकर करती थी ससुर से झगड़ा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिसंडा थाना क्षेत्र के पारा बिहारी का मामला। कासगंज में रिटायर्ड सहायक अध्यापक के साथ लूट का खुलासा। 8 जून को हुई थी 50,000 की लूट। लूटी गई नकदी, तमंचा और बाइक बरामद। एक लुटेरा गिरफ्तार, साथी फरार। एटा में सपा नेता के मार्केट पर प्रशासन का बुलडोजर चला। यहां के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जोगेंद्र सिंह यादव और उनके भाई सपा के अलीगंज के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के मंडी समिति में बने मार्केट को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। बांदा में बुजुर्ग दंपति के घर में संदिग्ध अवस्था में शव बरामद। घर के अंदर से दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिसंडा थाना क्षेत्र के पारा गांव की घटना। हरदोई में बिजली कटौती से नाराज हुआ युवक। विद्युत आपूर्ति बाधित होने से युवक ने विद्युत लाइन पर बरसाए डंडे। युवक ने डंडे मारकर बिजली लाइन का तार तोड़ने का किया प्रयास। युवक की हरकतों का वीडियो वायरल। बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के दुर्गागंज का मामला। ग्रेटर नोएडा में बंधक बनाकर जबरन युवक से मारपीट कर कुकर्म का मामला। 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से पीड़ित को बनाया था अपना निशाना। 2,00,000 रुपए की कर रहे थे डिमांड। मथुरा में डासना देवी मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती के बिगड़े बोल। कहा कि यदि हिंदू एक न हुए तो 2029 तक भारत में किसी कट्टरपंथी की सरकार होगी। उन्नाव में बनते ही उखड़ना शुरू हुई सड़क। बनने के एक हफ्ते में ही उखड़ना शुरू हो गई सड़क। घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर बनाई गई सड़क। नवाबगंज पक्षी विहार के पास से गुजरी रिंग रोड बनाने में खेल। मंत्री महेंद्र सिंह ने किए बांके बिहारी मंदिर के दर्शन। यमुना को शुद्ध करने के लिए कई योजनाएं जारी की। कहा यमुना में गिरने वाले नालों का भी होगा जल्द निस्तारण। देवरा बाबा घाट पर बाढ़ नियंत्रण का किया निरीक्षण। उत्तराखंड में अनलॉक होते ही लापरवाही। देहरादून में सड़कों पर लोगों की बेतहाशा भीड़ देखने को मिली। कर्फ्यू में छूट मिलते ही फिर लापरवाह बने लोग। देहरादून के राजपुर रोड पर वाहनों का जाम लगा। उत्तराखंड में सभी 70 विधानसभाओं में कांग्रेस ने पेट्रोल पंपों के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ने सत्ता में आने से पहले महंगाई को कम करने को लेकर जो बड़े बड़े वादे किए थे वो आज भी पूरे नहीं हो रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड पर दिए गए मंत्री सतपाल महाराज के विरोध में तीर्थ पुरोहितों का धरना आज भी जारी। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए तीर्थ पुरोहित ने काली पट्टी और काला मास्क लगाकर जताया विरोध। बोर्ड भंग न किए जाने को लेकर आंदोलन की दी थी चेतावनी। गंगोत्री धाम परिसर में दिया धरना। देहरादून में IMA कैडेट्स के बीच मारपीट का मामला। 3 मार्च को हुई मारपीट के मामले में हुई कार्रवाई। 4 भारतीय और 6 विदेशी कैडेट्स पर IMA प्रशासन ने की कार्रवाई। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा निजी स्कूलों के लिए फीस एक्ट। शिक्षा विभाग एक्ट को तैयार करने में जुटा। दूसरे राज्य और दिल्ली के निजी स्कूलों की व्यवस्था पर किया जा रहा है अध्ययन। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए शिक्षा विभाग फीस एक्ट तैयार कर रहा है।
हरियाणवी मॉडल शिवानी यादव सहित दो हीरोइन तस्कर को पुलिस ने किया अरेस्ट। मिर्जापुर से देहरादून में बेचने के लिए लाए थे हीरोइन। शिवानी यादव हरियाणा में करती है मॉडलिंग। कोतवाली विकास नगर जनपद देहरादून का मामला। पौड़ी की दमदेवल रेंज में गुलदार ने एक महिला पर किया हमला। खेत पर काम कर रही थी महिला, महिला ने मौके पर तोड़ा दम। रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सालियार में दर्दनाक हादसा। ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौके पर मौत, बच्ची गंभीर रूप से घायल। ग्रामीणों ने युवक के शव को हाईवे पर रखकर घंटों तक जाम लगाया। यूरोप में डेल्टा वेरिएंट को लेकर WHO की चेतावनी। ब्रिटेन के जिन इलाकों में डेल्टा वेरिएंट फैला वहां सेना तैनात। बड़े पैमाने पर कोरोना जांच शुरू। बॉर्डर पर पकड़ा गया चीनी घुसपैठिया, BSF को इसके जासूस होने का शक। बांग्लादेश बॉर्डर से भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था घुसपैठिया, पहले भी 4 बार भारत आ चुका था। संक्रमण कम होने और टीकाकरण से अमेरिका समेत दुनिया के लिए खुल रहा यूरोप। एक साल बाद पर्यटकों की मेजबानी को तैयार यूरोप। 20 देश खोले जाएंगे, कई ने जारी की ट्रैवल गाइडलाइन। लद्दाख सीमा पर तनाव का मसला। भारत ने चीन से कहा टकराव के सभी मोर्चों से सैनिकों की पूर्ण वापसी हो। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता की पूर्ण बहाली के लिए जरूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लिया अहम फैसला। अमेरिका में टिकटॉक, वीचैट समेत 8 एप्लीकेशन पर बैन लगाने वाले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के फैसलों पर रोक लगा दी। PNB स्कैम के आरोपी मेहुल चौकसी को डोमिनिका में बड़ा झटका लगा। डोमिनिका की सरकार ने मेहुल चौकसी को अवैध अप्रवासी घोषित किया। एंटीगुआ में रहने वाला मेहुल चौकसी 23 मई को डोमिनिका पहुंचा था। सोने के साथ ही चांदी के दाम में भी जमकर उछाल। MCX पर अगस्त वायदा सोने के रेट 0.20% की बढ़ोतरी के साथ 49,296 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा, तो वहीं चांदी के दाम 72,368 हुए। रिकॉर्ड हाई पर शेयर बाजार। निफ्टी 15,800 के पार, सेंसेक्स 250 अंक मजबूत। RIL टॉप गेनर। यूरो कप 2020 की 6 दावेदार टीम आमने सामने। फ्रांस, स्पेन और इटली से चैंपियन पुर्तगाल को मिल सकती है कड़ी टक्कर। बेल्जियम और इंग्लैंड अंडर डॉग साबित हो सकते हैं।